हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 18। तो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस सबके वीडियो जो है मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज आपको वीडियोज मिलेंगे। तो सारे वीडियो जो है, जो सारे सब्जेक्ट की वीडियोज है, एक ही जगह पे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18। तो प्रैक्टिस सेट 18 में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर। तो जो ये फिगर हमें यहाँ पे दिए है, इसमें से हमें क्या करने हैं, जो अपोजिट रेज है इनकी पेयर्स लिखने हैं। तो अपोजिट रेज होता क्या है, देखिए सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया जिसे हमने नाम दिया पी। तो इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला ये रे जो है इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और इसे हमने यहाँ पे नाम दिया आर। तो रे कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, पी आर। तो सेम पॉइंट जो पी पॉइंट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे और एक रे ड्रॉ करेंगे और इसे यहाँ पे पॉइंट देंगे एस। तो देखिए दो रे फॉर्म हो रहे हैं जिनका कॉमन पॉइंट है पी। तो यहाँ से देखिए पी आर एक रे फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो रे है पी एस इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो दो जो रेज है उनका जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट आया है और उसके बाद दोनों रेज ने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन क्या किया है, फॉर्म किया है। तो ऐसे जो दो रेज होते हैं उनने अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया है तो वो क्या होते हैं, दोनों रेज क्या होंगे, अपोजिट रेज होते हैं, या फिर इनके कारण जो है स्ट्रेट एंगल भी बनता है। अगर दोनों भी स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे आपको याद का रखना है कि अपोजिट रेज क्या होते हैं, जिनका कॉमन पॉइंट आता है और दोनों भी जो रेज है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अपोजिट रेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वन में आपको क्या करना है कि इस फिगर में कौन से अपोजिट रेज है उनके पेयर्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट क्या है, पी है, तो पी टी एक रे फॉर्म हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पी एन जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर हम कौन से लिखेंगे, रे पी टी, रे पी टी एंड दूसरा रे कौन सा है उसका अपोजिट पी एन, और दूसरा पेयर कौन सा आएगा, अगर पी से हम यहाँ पे देखेंगे तो पी एम भी हो रहा है और इसका अपोजिट कौन सा आएगा, पी एल, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया है। अगर हम पी एन पी डी को भी देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, उसी तरीके से पी एम एंड पी एल के कारण एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, अपोजिट रे से पी एल एंड पी एम, रे पी एल एंड रे पी एम, तो ये दो पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्या है, आर द रे पी एम एंड पी टी अपोजिट रेज। कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है, पी एम एंड पी टी जो रेज है ये अपोजिट रेज है क्या, आई गिव रीजंस फॉर योर आंसर, जो भी हमारा आंसर आएगा तो उसका रीजन हमें लिखना है। तो कौन से रे दिए है, पी एम एंड पी टी, तो कहाँ पे है पी एम, ये पी एम और दूसरा कौन सा है पी टी, तो ये दोनों भी आपको दिख रहे हैं क्या कि अपोजिट रेज है, तो नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने इस तरीके से एंगल फॉर्म किया है, दोनों भी स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं, इस तरीके से एंगल फॉर्म हो जाएगा तो ये अपोजिट रेज नहीं आएंगे क्योंकि इनसे जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रे पी एम एंड रे पी टी आर नॉट अपोजिट रेज, और हमें रीजन भी लिखना है, बिकॉज रे पी एम एंड रे पी टी आर नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो रे पी एम और पी टी है इन्होंने क्या नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म किया है, तो इसके कारण हमें क्या करना होगा, ये उसका जो रीजन आएगा वो भी लिखना होगा।